माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको जो हम स्टेप बतलाया, दो स्टेप, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप आपको चेकअप करना है। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये बजाज कंपनी का प्लैटिना 100 cc और ओल्ड मॉडल बाइक है। लगभग ये 8-10 साल पुराना बाइक है और इस बाइक का कस्टमर जो है सो माइलेज की प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास बाइक आया है। देखिए मेरे पास ये प्लैटिना 100 cc ओल्ड मॉडल बाइक आया और इस बाइक का भी हम माइलेज सेटिंग करने वाले हैं। माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको कुछ जरूरी टिप्स है वो हम आपको बतला रहे हैं। प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाइक के रिलेटिव आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको जो हम स्टेप बतलाया, दो स्टेप, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप आपको चेकअप करना है। पहला स्टेप आपको हो गया बाइक का, सबसे पहले आपको चेकअप करना है इसके अंदर जो एयर फिल्टर, इसके अंदर फोम फिल्टर लगा है, एयर फिल्टर जो लगा है उस एयर फिल्टर को आपको चेकअप करना है। और दूसरा जो हो गया बाइक का आपको कंप्रेसर चेकअप करना है। कंप्रेसर अगर आपके बाइक में कम है, आपके बाइक में जब कंप्रेसर कम है उस टाइम आपको टैपिट चेकअप करना है, टैपिट चेकअप करना है। और तीसरा जो आपको जो पॉइंट है वो प्लग चेकअप करना है, क्योंकि प्लग इसलिए चेकअप करना है प्लग के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग चाइनीज प्लग लगा देते हैं इस बाइक के अंदर, जो है ये प्लग जो आप देख रहे हैं चाइनीज प्लग लगा देते हैं, उस टाइम भी आपके बाइक का माइलेज प्रॉब्लम देखने को इशू मिलेगा। तो आप चलिए हम बाइक को फटाफट से पहले आपको स्टार्ट कर लेते हैं और आपको माइलेज सेटिंग करके आपको बतला रहे हैं। चलिए हम बाइक को कर लेते हैं फटाफट से पहले स्टार्ट। देखिए बाइक जो है मेरा स्टार्ट हो गया। आप चलते हैं हम बाइक को लेफ्ट साइड में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बाइक का हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो बैटरी वाला जो पैनल था साइड पैनल, अब यहाँ पे साइड पैनल को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको दो ठो स्क्रू मिल रहा है कार्बोरेटर में। एक ये हो गया आपका फ्यूल और एयर स्क्रू और दूसरा जो हो गया आपको ये बाइक का RPM स्क्रू। तो आपको करना क्या है वो हम आपको बतला रहे हैं। ये जो RPM स्क्रू है इस स्क्रू का आपको थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लेना, इससे थोड़ा टाइट करने के बाद आपको ये जो फ्यूल और एयर मिक्सचर स्क्रू है इस स्क्रू का आपको फुल टाइट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए ये फ्यूल और एयर का स्क्रू था, जैसे हम इस नट को फुल टेंट के बाइक मेरा बंद हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा हम बाइक का RPM बढ़ा लेंगे, रेस बढ़ा लेंगे। अब फिर बाइक को करना है स्टार्ट। स्टार्ट कीजिए थोड़ा बाइक को उस तरफ से। देखिए बाइक को स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा और हम बाइक का यहाँ से रेस बढ़ाएंगे। बाइक का देखिए अभी बाइक का भी स्टार्ट है। अब क्या करना है, इस स्क्रू को एक राउंड ढीला करना है। एक राउंड ढीला किया बाइक बंद हो गया, फिर स्टार्ट कीजिए बाइक को, रहने दीजिए। देखिए एक राउंड ढीला करने के बाद बाइक को स्टार्ट किया, RPM बढ़ गया, फिर आपको इसको ढीला करना है। जैसे जैसे हम ढीला कर रहे हैं बाइक का रेस ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आपके बाइक का टॉप स्पीड आ जाए फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आपको इस तरह ढीला नहीं करना है, इसको टाइट कर देना है, थोड़ा टाइट कर देना है। फिर आपको यहाँ से बाइक का RPM कम कर लेना है। देखिए बाइक जो है सो प्रॉपर स्टार्ट हो गया। तब आपको हम बतला रहे हैं इस फ्यूल और एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको कितना राउंड ढीला करना है, ये हम आपको नहीं बतलाएंगे। माइलेज सेटिंग करने का सही तरीका है, इस स्क्रू को फुल टाइट कर दीजिए जहाँ पे आपका बाइक का टॉप स्पीड आ जाए। प्लैटिना बाइक के लिए हम स्पेशल बतला रहे हैं, जहाँ पे आपका टॉप स्पीड आ जाए वहाँ पे इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा टाइट कर देना है, बिल्कुल हल्का थोड़ा टाइट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से बाइक का RPM मेंटेन कर लेना है, रेस को मेंटेन कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए बाइक का हम एक्सीलेटर छोड़ दिए हैं, बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट है, बाइक बंद भी नहीं हो रहा है। अब आपको बाइक को हम बंद करके स्टार्ट करके दिखला रहे हैं। देखिए बाइक को हमने यहाँ पे ऑफ कर लिया, फिर से उसको ऑन कर रहे हैं, थोड़ा इग्निशन ऑन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अभी बाइक का हम थ्रोटल नहीं दे रहे हैं, जैसे बाइक का किक दबाए बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, बंद भी नहीं हो रहा है। इस तरह से माइलेज सेटिंग कीजिए, आपका बाइक का माइलेज 100% बढ़ जाएगा, तकरीबन 80 से 90 तक का माइलेज हो जाएगा आपका बाइक का। इस तरह से आप माइलेज सेटिंग करते हैं और फिर
एयर फिल्टर को क्लीन कर दे, टैपिट को प्रॉपर सेटिंग कर दे। तो अगर आप लोगों को टैपिट सेटिंग करने का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।